अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ना ही किसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ना ही हम किसी चीज़ का रिव्यू करने वाले हैं। आज का दिन हमारा होगा व्लॉग, संडे इज फंडे। आज हमने संडे के दिन क्या किया, हम आपके साथ अपना पूरा लाइफस्टाइल शेयर करेंगे। और सबसे पहले वीडियो में देर ना करते हुए आपको एक बात बता दूँ, जो संडे के दिन सबसे मुश्किल काम होता है हॉलीडे के दिन, वो होता है कि बिस्तर छोड़ना। लेकिन ये महाभारत वाला काम होता है, लेकिन ये महाभारत वाला इतिहास मैंने रच दिया है सुबह 8 बजे उठ के। तो गाइस, अब मैं फटाफट से तैयार हो रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ जाने के लिए। हमारा 9 बजे मैच था, लेकिन मेरे को यहाँ पे 9:15 हो चुके हैं अभी तक, ना तो मैंने कोई ब्रेकफास्ट किया। लेकिन फटाफट ब्रश करके अब मैं तैयार होने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ खेलने के लिए। तो अब फटाफट से उनके मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि भाई कहाँ पर रह गया। मैंने उनका पागल बना रखा है कि भाई मैं आपके पास पहुंचने वाला हूं सिर्फ 5 मिनट के अंदर। मैं बस स्टैंड पे पहुंच चुका हूं, मैं यहां पहुंच चुका हूं, उनका आधे घंटे से मैंने फुद्दू बना रखा है। तो उनका फिर से मेरे पास फ़ोन आ गया दोबारा। तो उनसे बात करने के बाद फिर से मैंने उनको लारा लप्पा लगाया और हम चलते हैं अब इस अपनी हायाभूसा पे। हायाभूसा हमारी आँख मार रही है। ओहो, ये तो भाई जाने के लिए तैयार हो चुके हैं मुझसे भी पहले। तो चलो बिना देरी करें इसको निकालते हैं बाहर सड़क पर, जो कि सड़क की बादशाह है। और ये निकल भी चुकी है और ये जा रहे हैं हम ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड की तरफ जाने से पहले यहाँ पे भीड़, लेकिन भाई हमारे यहाँ पिंजौर में गड्ढे इतने हैं, पता नहीं लगता सड़क में गड्ढे हैं गड्ढे की सड़क है। तो इतनी देर एक्टिवा चलाने के बाद हम पहुँचे अपने ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर वाली गली में घुसे हैं। मेरे को तो भाई ये सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त कहाँ मिलेंगे। अब मैं पहुँच चुका हूँ ग्राउंड के बाहर, सब पहुँच चुके हैं गाइस, मैं ही सिर्फ अकेला एक लेट हूँ यहाँ पे। चलो फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत उनसे गालियाँ सुनने के लिए मिलेंगी, सुनने के बाद हम मैच खेलेंगे। तो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अपने ग्राउंड में और यहां पे मेरी टीम के, दूसरी टीम के सब आ चुके हैं। ये मेरा दोस्त है और हम दोनों लेट हो चुके हैं। ये देखो सब हमसे नाराज़ क्योंकि हम थोड़ा लेट, क्योंकि यहां पे बारिश वाला मौसम था तो पिच थोड़ी गीली थी, यहां पे थोड़ा काम करना था, तो इनको लगा कि हम काम चोर हैं इसलिए हम लेट आए हैं ताकि ये सब काम ख़त्म कर दे। भाई अब ये थोड़ा क्या करने वाले हैं, पिच गीली है, अब ये मिट्टी खोद रहे हैं वहाँ पर, मिट्टी खोद खोद के अभी मिट्टी लेके आने वाले हैं सारे वहाँ से। ये देखो कहने की देर थी, ये लेके आ गए, हाथों में मिट्टी ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे प्रसाद लेके आए हो। अब ये वहाँ पे जहाँ पे गिल्ला है वहाँ पे सब गिरेंगे। अभी और भी पीछे आ रहे हैं बहुत सारे मिट्टी लेके, और मैं हूँ एक सिर्फ फ़ोन लेके व्लॉग बनाने में लगा हुआ। और ये जा रहा है हमारा सस्ता सूर्य कुमार यादव, जिसको कोई बुलाता नहीं लेकिन खुद आ जाता है। और ये जा रहे हैं हमारे अर्शदीप सिंह, और ये विराट कोहली का चचेरा भाई, और ये यही विराट कोहली है। और भाई इसका नाम ये भी हमारा दोस्त है, दोस्त तो है लेकिन ओ हो, अच्छा अभी तो दो और आ रहे हैं पीछे। भाई हमारी पूरी टीम आ चुकी है, सिर्फ मैं ही लेट था और अभी तक मैंने कोई काम नहीं कराया। यहाँ पे आने के बाद मैं इन सबका वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। अब हमारा मैच शुरू होने वाला है। ये पाजी ने पाई मिट्टी और हमारी लत्ता सुट्टी। ए रह गया हूँ, मैच होया जी साढ़ा स्टार्ट, टॉस जीत के सी पहला बैटिंग करी। बैटिंग के बाद हमारे बैट्समैन की ओपनिंग इतनी ख़राब रही कि हमारे दोनों ओपनर उतर गए पहले ही 2 ओवरों में। ये दोनों बैट्समैन आए हैं उन 2 ओपनर के बाद। अब 3 ओवरों में हमारे हैं 3 विकेट और 3 रन। 6 ओवरों का मैच है, 3 ओवरों में टोटल हमको कम से कम 30+ करने होंगे अगर ये मैच जीतना है। देखते हैं हमारे बैट्समैन 30+ करते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी मानकपुर वालों की बॉलिंग और फील्डिंग बहुत अच्छी है, ये रन नहीं बनाने दे रहे हैं। अब इनकी भी बैटिंग आएगी और हमारी भी बॉलिंग आएगी। तो गाइस हमने बना दिए हैं 35 रन। 35 रन के बाद हमारी बॉलिंग आई और मैं ओपनिंग बॉलर, मैंने पहली बॉल कराई, बैट्समैन को बॉल दिखाई नहीं थी और बैट्समैन कह रहा वाह क्या बॉल कराई, और मेरे को तारीफ सुन के मेरा सीना चौड़ा हो गया। फिर मैंने फिर से दोबारा बॉल कराई। अब ये दोबारा जब बॉल कराई तो ये फुल टॉस गई और इसने 1 रन लिया। और पाजी आगे स्ट्राइक पे, ये रहता है लास्ट ओवर, इसके अंदर पाजी को चाहिए 4 बॉलों में 4 स्कोर, सिर्फ 4 बॉलों में 4 रह गए। और ये बॉलिंग पे मैं हूँ, बॉलिंग में करा रहा हूँ, देखते हैं मैच कौन जीतता है। और ये आई 3री बॉल, ये भी मिस। अब पाजी को आया गुस्सा, पाजी ने किया बल्ला चेंज, पाजी ने मेरे ओवरों में 4 बार बल्ला चेंज कर लिया, कहते छक्का मारना था मारना। अब देखते हैं 4थी बॉल तक की होंगे। ए आई 4थी बॉल, मैं आया पज्जा होया, ए 4थी बॉल बाउंसर, पाजी फिर गुस्से च बल्ला चेंज कराया। हूँ रह गई जी 5 बॉल, 2 बॉलों से 4 रन रह गए जी। हूँ देखते हैं 2 बॉलों में 4 रन पाजी बनाते हैं नहीं, वैसे तो बॉलिंग पे मैं हूँ बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। ये 5वीं बॉल बाउंसर बड़ी स्पीड से निकली, पाजी को नहीं दिखा, पाजी को आया गुस्सा और पाजी कहते हैं लास्ट बॉल में धोनी वाला छक्का मार के कप उठाना है आज।
और मैं भी हार का हमारने वाला हूँ। लास्ट बॉल है और 4 रन रहते हैं, देखते क्या होता है। अब ये वीडियो कर दी है मैंने स्लो मोशन में, देखते हैं लास्ट बॉल पे क्या होने वाला है। सबकी नज़रें ये है, देखो फैन फॉलोइंग कितनी बैठी है यहाँ पे। ये है लास्ट बॉल, अबे थोड़ा जल्दी आ जाना शोएब, आराम आराम से क्यों आ रहा है। अच्छा तो मैं ही हूँ। और ये आ गया, ये आई बॉल, पाजी का छक्का, नहीं ये हिल गया पत्थर, पाजी रन हो गए 70। चलो भाई मैच अपन जीत गए, आज का दिन हमारा संडे का बन गया हमारा फंडे, और आया बड़ा मज़ा मैच खेल के। अभी हमें घर पे भी बथेरे काम है, अब हम निकलते हैं यहाँ से। मैच जीतने के बाद अब हमारी टीम पार्टी करेगी, हमने हरा दिया है मानकपुर के लड़कों को, अब हम जा रहे हैं लाली के पास, क्योंकि जब भी हम पार्टी करते हैं, जब भी हम मैच जीतते हैं, तो हम जाते हैं सिर्फ लाली के छोले भटूरे के पास, क्योंकि वो छोले भटूरे बहुत बढ़िया बनाता है। तो चलो गाइज आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।